ब्राउन लीफ स्पॉट हेलिमेंथोस्पोरियम और आईजी परफेक्टिस्टिस कॉचिलोबोलस और आईजी इट बिलोंग टू बंगाल फेमाइन इन 1943। दो फेमाइन बहुत फेमस है, आयरस फेमाइन बंगाल फेमाइन। आयरस फेमाइन किसके थ्रू किस सब्जेक्ट किस प्लांट से रिलेटेड है, किस क्रॉप से रिलेटेड है? आयरस फेमाइन रिलेटेड टू पोटेटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटेटो इज अ मेजर डिजीज, डिस्ट्रक्टिव डिजीज, एपिडेमिक अकर्स आयरस फेमाइन इन 1845 इन आयरलैंड, वाइल बंगाल फेमाइन इन वेस्ट बंगाल। कब आया? In 1943, due to brown leaf spot, Helminthosporium oryzae. Next, so first of all, I describe rice blast. Rice blast. Blast का मतलब सब जानते हैं, जला हुआ सा वो कुछ. It is also called rotten neck disease of rice. It is also called rotten neck, यानी उसकी गर्दन सड़ गई हो या गल गई हो। इट डिस्ट्रॉय 10-30% ऑफ द हार्वेस्ट एवरी ईयर। कितना लॉस करती है? 10-30%। पायरिकुलेरिया और आईजी स्पोर्स वर टू बी यूज्ड एज ए बायोलॉजिकल वॉर वेपन। पैंडेमिक COVID-19 क्या है? बायोलॉजिकल वॉर। बायोलॉजिकल वॉर को मतलब समझते हो? जो युद्ध बायोलॉजिकल थ्रू लड़ा जाए। अभी क्या चल रहा है? एक वायरस है। क्या है ये? बायोलॉजिकल वॉर। COVID-19 क्या है? सब लोग कहते हैं, काफी टाइम न्यूज में चला कि चाइना ने हम पे बायोलॉजिकल वॉर किया। कहां से आया वायरस? चाइना से आया। तो ये क्या है? बायोलॉजिकल वॉर। उन्होंने हम पे क्या किया? बायोलॉजिकल वॉर। वैसा वॉर हम जीत सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल वॉर से नहीं जीत पा रहे हम। It is a difficult to control. It is also known as biological war. In World War II by both USSR and United States, the trait of its use as a biological weapon persists even now. Magna Porte Gracia, perfect stage of Pyricularia Gracia is the first fungal. Very important. Please be concentrate. Magna Porte Gracia is a first fungus. फर्स्ट फंगल पैथोजन जिसका जीनोम सीक्वेंस किया गया बाय डीन एटॉल इन 2005। क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा फंगल पैथोजन है? नॉट बैक्टीरियल, कौन विच फंगल पैथोजन इज फर्स्टली जीनोम सीक्वेंसेस्ड? आंसर होगा मैग्ना पोर्टे ग्रेसिया बाय डीन एटॉल 2005। Blast disease was introduced in India from Southeast Asia in 1918. Symptoms देखिए, एस ग्रे कलर, ऐसे यानी जैसे राख होती है अपने घर पे, ग्रे ग्रे कलर का स्पाइंडल शेप का लीजन होगा। मीन्स स्पाइंडल शेप का मतलब क्या होता है? बोट शेप। नाउ देखिए, बोट शेप के क्या होंगे? लीजन्स होंगे विथ ब्राउन मार्जिन। ये आप देखिए, एश कलर का है, ये स्पाइंडल शेप है, टेपर्ड है बोथ साइड, एट द एंड ये है स्पाइंडल शेप लीजन, ब्राउन मार्जिन है इसके, एस कलर का है। द नेक ऑफ द पेनिकल इज इन्फेक्टेड व्हेन द ईयर इमर्ज। जब चावल में से, राइस में से ईयर इमर्ज होगा तो क्या हो जाएगा? उसकी नेक क्या हो जाएगी? इन्फेक्ट हो जाएगी। नेक इन्फेक्ट हो जाएगी, देन क्या होगा? ब्लास्ट नेक या फिर रोटन नेक। मैंने भी कहा आपको, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटन नेक। ये देखिए, प्लीज क्लियरली सीन दिस पिक्चर, इट इज ए रोटन नेक। क्या हो गई? ट्विस्टेड हो गई नेक, इसकी नेक ऐसे अपनी गर्दन ऐसे हो गई। मान लो ये क्या है? रोटन नेक। द नेक रीजन इज ब्लैक एंड स्ट्रिवल्ड। सबसे पहले क्या होगा? ब्लैक हो जाएगी और स्ट्रिवल्ड यानी सिकुड़ जाएगी। When the grains are set, grains set होंगे, panicles break at the neck due to weakening of the neck tissues. जब neck tissues weak हो जाएंगे तो वो बाली को कैसे संभालेंगे? तो वो क्या हो जाएगा? Panicle जो बनेगा उसका वो break हो जाएगा। You have clear seen this picture. Can be differentiate from a distance. हम बहुत दूर से पहचान सकते हैं। वो hang down हो जाएगा, यानी लटक जाएगा। ठीक है?
द इन्फेक्टेड पेडी सेल्स स्टार्ट द बियर फ्लावर रिजल्ट इन नॉन प्रोडक्शन ऑफ सीड, मतलब सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा. दिस इज कॉल्ड ब्लैंकिंग. जो उसके पेनिकल्स होंगे उसमें क्या होगा, सीड नहीं होगा, क्योंकि उसकी नेक हो जो रोटन हो गई है और वो संभाल नहीं पा रही है क्योंकि उसके टिश्यूज वीक है. ठीक है. एस ग्रे कलर स्पाइंडल शेप लीजन ऑन लीव्स, यू हैव क्लियर सीन दिस पिक्चर. इट इज ए ब्लैक नेक या नेक ब्लास्ट या फिर रोटन नेक. कॉजल ऑर्गेनिज्म पायरिक्लोरिया गाइसिया, पायरिक्लोरिया ओराइजा. इट इज अ परफेक्ट स्पीशीज ऑफ मोग्राफोर्थिया ग्रेसिया. मैं कितनी बार रिपीट कर रही हूँ, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. कौन सी परफेक्ट स्टेज होती है पायरिक्लोरिया ओराइजा की? मैग्ना पोर्थे ग्रेसिया. बिलोंग टू एस्कोमाइकोटा. पायरिक्लोरिया बिलोंग करेगा माइटोस्पोरिक फंजाई या ड्यूटेरोमाइकोटा. ऑल एसेक्सुअल फंजाई बिलोंग टू, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट दिस स्टेटमेंट. ऑल इम्परफेक्ट फंजाई एसेक्सुअल फंजाई बिलोंग टू ड्यूटेरोमाइकोटा. जितनी भी एसेक्सुअल फंजाई होंगी जिनकी परफेक्ट स्टेज नहीं होती, मींस इम्परफेक्ट स्टेज है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सारी ड्यूटेरोमाइकोटा में होगी. उसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और परफेक्ट स्टेज कहीं ना कहीं होगी, एस्को में होगी, बेसिडियो में होगी. इम्परफेक्ट किसे बोलते हैं? उसमें जिसमें लैक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. क्या क्या बोलेंगे इसे? माइटोस्पोरिक फंजाई, एसेक्सुअल फंजाई, और माइटोस्पोरिक एसेक्सुअल फंजाई, इम्परफेक्ट फंजाई. ओके. देन मियोस्पोरिक बोलेंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि एस्कोमाइकोटा है, बेसिडियोमाइकोटा है, काइटेडियोमाइकोटा है. ये क्या होते हैं, ये कौन से? चलो मैं भूल गई, तुम्हें पहले जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी वो डिवीजन की होगी, क्लासिफिकेशन ऑफ द फंगल. फंगस का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, तब तुम्हें कुछ थोड़ा समझ में आएगा. एक बार तुम चाहो तो नेट पर देख सकते हो, किर्क एटोल 2008 का, किर्क एटोल 2008 अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन ऑफ ए फंगस. Pyriclaria belong to mitosporic group of fungi or deuteromycetes. Pyriclaria produce several toxin like, please be concentrate, very important. Even ARSnet, ARO, pyriclarine and alpha picoic acid belong to pathogen. ये क्वेश्चन आया हुआ है. Pyriclaria produce कौन कौन से टॉक्सिन करता है? Pyriclarine and alpha picolinic acid contribute in disease development. Pyriclaria produce melanized aprisorium, attached organ of fungi. This question is in previous exam 2018, I think 18 में ये question आया हुआ है, 18 या 19 में. कौन सा pathogen है, which pathogen produce melanized aprisorium pyriclaria oryzae? अटैचमेंट ऑर्गन ऑफ फंजाई, होस्ट से अटैचमेंट करने के लिए ये क्या है, इसका ऑर्गन है. जैसे होस्टेरिया होते हैं, एक होता है, सॉरी मैं भूल गई, होस्टेरिया होता है, एक और होता है अटैच करने के लिए, वो बताऊंगी मैं तुम्हें थोड़ी देर में. पियर शेप के कोनिडिया होंगे, ये देखिए पायरिक्लेरिया मीन्स पियर शेप कोनिडिया, कोनिडियोफोर, इट इज ए कोनिडियोफोर. डिजीज साइकिल, इट इज ए पॉलीसाइक्लिक डिजीज. आई थिंक तुम समझ गए होंगे पॉलीसाइक्लिक डिजीज क्या होती है. एक सीजन में बहुत सारी साइकिल कंप्लीट करती है, इसकी मल्टीप्लीकेशन रेट इज वेरी हायर. हैविंग सेवरल डिजीज साइकिल इन ए सिंगल ग्रोइंग सीजन. पेरेनेशन सर्वाइवल कहाँ करेगी? इट इज ओवर सीजन एज ए माइसीलियम एंड कॉनिडिया ऑन डिजीज राइस स्ट्रैंड सीड्स. ओवर सीजन का मतलब जब इसका सीजन नहीं होगा तब कैसे सर्वाइव करेगी? माइसीलिया होगा या कोनिडिया होगा जो कि राइस का जो चारा है उस पे या सीड पे सरवाइव करेगा इन द एब्सेंस ऑफ होस्ट या फिर वीड होस्ट पे. इट सरवाइव थ्रू द इन्फेक्शन ऑफ कोलेटरल होस्ट. कोलेटरल होस्ट पे भी सरवाइव कर सकता है, सेम फैमिली का होना चाहिए. कोलेटरल होस्ट और अल्टरनेट होस्ट क्या होता है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन कोलेटरल होस्ट एंड अल्टरनेट होस्ट? अल्टरनेट होस्ट मीन्स डिफरेंट फैमिली का पौधा हो, जैसे वीट है, वीट में ब्लैक रस्ट ऑफ वीट है, पक्षिनिया ग्रैमिनस ट्रिटिसाई, किस पे सरवाइव करता है इन द एब्सेंस ऑफ वीट? का सीजन नहीं होता तब कहाँ सरवाइव करता है? हिल्स एरिया में बर्बरी प्लांट पे. वो क्या है?
अल्टरनेट होस्ट. ए पैथोजन रिक्वायर ए होस्ट टू एब्सेंस इन द मेन होस्ट इन डिफरेंट फैमिली ऑफ प्लांट. यानी कोई भी फैमिली हो, डिफरेंट फैमिली होती है प्लांट की, उस पर वो सर्वाइव करे इन द एब्सेंस ऑफ मेन होस्ट. कोलेटरल होस्ट क्या होता है? सेम फैमिली हो होस्ट की, उस पर सर्वाइव करना. जैसे सच एज सुगर कैन, लर्जिया, हेक्सांड्रा, पैनिकम रैपेंस. इट इज अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलेटरल होस्ट. इफ इफ यू ऑस्ट्रेलियन एग्जाम, वॉट इज अ कोलेटरल होस्ट? अगर तुम्हें क्वेश्चन में ये पूछा जाता है एग्जाम में, कोलेटरल होस्ट क्या है, अल्टरनेटिव होस्ट क्या है, प्लीज डिफ्रेंशिएट, तो तुम एग्जाम्पल लिख कर आओगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा. अल्टरनेट होस्ट में आ गया, अलग डिफरेंट स्पीसीज में होगा, फैमिली अलग होगी, और एग्जाम्पल होगा वीट रस्ट ऑफ ब्लैक रस्ट ऑफ वीट. एग्जाम्पल अल्टरनेट होस्ट बर्बेरी प्लांट. इन केस ऑफ कोलेटरल होस्ट पैनिकम रैपेंस ब्लास्ट डिजीज, डिजिटेरिया मार्जियंटाना, वेरी गुड एग्जाम्पल, एक्नोकोला, क्रोसडेलिट एक्सेट्रा. प्राइमरी इन्फेक्शन किससे होगा? प्राइमरी इन्फेक्शन, फर्स्ट इन्फेक्शन बाई ए पैथोजन आफ्टर सर्वाइवल. आफ्टर सर्वाइव करने के बाद में जो प्राइमरी इनोक्यूलम बनेगा, प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज्ड बाई कॉनिडिया प्रोड्यूस ऑन कोलेटरल होस्ट. प्रेडिस्पीजिंग फैक्टर देन नाइट्रो टेम्परेचर, नाइट का टेम्परेचर, मतलब नाइट्रो टेम्परेचर मतलब नाइट टेम्परेचर. इसका फेवरेबल एनवायरमेंट क्या है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अबाउट 22-24 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ प्लांट अ मोस्ट फेवरेबल एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर सेवरल डिजीज. हाई नाइट्रोजन सप्लाई इन पेडी इंक्रीज डिजीज. प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, अगर आप नाइट्रोजन ज़्यादा डालेंगे पेडी में तो ज़्यादा डिजीज होगी. हाई नाइट्रोजन ऑल्सो रिड्यूस द सिलिकॉन इन प्लांट, लोअर द रेजिस्टेंस. अगर आप हाई नाइट्रोजन डालेंगे तो वो रिड्यूस करेगा सिलिकॉन को. अगर आप सिलिकॉन ज़्यादा डालेंगे तो राइस ब्लास्ट डिजीज को कम करेगा. प्रोलॉन्ग लीफ वेटनेस ऑल्सो फेवर द डिजीज. काफ़ी टाइम तक अगर लीफ वेटनेस होती है, यानी मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो डिजीज आने की पूरी संभावना होती है. मैनेजमेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस तुम जानते ही हो क्या करना है. सबसे पहले सर्टिफाइड यूज सीड लो, रेजिस्टेंट वैरायटी यूज लो, डिजीज फ्री सीड यूज लो, फॉलोइंग क्रॉप रोटेशन यूज लो, नॉन होस्ट टू लेग्यूमिनेसी है सीरियल से करो. अप्लाई डिफरेंट फर्टिलाइजर फॉर डिफरेंट कल्टीवार रिकमेंडेड बाय द ब्रीडर. जो ब्रीडर आपको अप्लाई करे फर्टिलाइजर, यानी आप मनमर्जी से नाइट्रोजन डाल रहे हैं, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. इफ यू यूज हायर नाइट्रोजन देन डिजीज ऑल्सो हायर. फील्ड सैनिटेशन डिस्ट्रॉय कोलेटरल होस्ट और वीड होस्ट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ मेन होस्ट इट सर्वाइव ऑन कोलेटरल होस्ट लाइक पैनिकम डिजिटेरिया. मॉडरेट यूज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर वाटर लेवल इन द पेडी फील्ड. अब है रेजिस्टेंट वेराइटी. द चीपेस्ट एंड सिंपल मैथड ऑफ प्लांट डिजीज कंट्रोल इज रेजिस्टेंट वेराइटी. प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. लास्ट ईयर 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि चीपेस्ट एंड सिंपल मैथड कौन सा है प्लांट डिजीज कंट्रोल करने का, इज ए रेजिस्टेंट वेराइटी. कई बच्चे कल्चरल प्रैक्टिस करके आ जाते हैं. चार ऑप्शन होंगे आपके पास में. आपसे क्वेश्चन पूछा गया चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट मेथड कौन सा है प्लांट डिजीज कंट्रोल करने का, उसमें है कल्चरल प्रैक्टिसेस है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है, एंड रेजिस्टेंट वैरायटी है. मोस्टली बच्चे क्या करेंगे, केमिकल कंट्रोल, सॉरी कल्चरल करेंगे कि कल्चरल सबसे ईजी है. बट वाइल चीपेस्ट एंड सिंपलेस्ट मैथड प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट. इवन आप कॉपी में भी नोट करते जाइए, प्लांट डिजीज कंट्रोल चीप मैथड है रेजिस्टेंट वैरायटी. यूज रेजिस्टेंट वैरायटी लाइक जया RP52IET1444. रीजन वाइज रेजिस्टेंट वैरायटी है सूची, अलकुलू, कुलकुलू, गैनीबेरा, कमला इन बिहार. इन हिमाचल प्रदेश बाला लेट 6, जया, पंकज, जयंतीन, रायपुर, MP. इन केमिकल कंट्रोल डिजीज का नाम है ब्लास्ट. तो सबसे बेस्ट केमिकल है ब्लास्टिसाइड्स, ब्लास्टिसाइड्स. और हाँ, राइस ब्लास्ट, ब्लास्ट डिजीज अभी बाजरे में आ रही है, बाजरे फील्ड में जाकर देखो, आपको बोट शेप के सिम्टम्स दिखेंगे. वापस देखो, बाजरे में जाके देखोगे तो ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे तुम्हें. बहुत ब्लास्ट डिजीज, हैवीली इन्फेस्टेशन ऑफ ब्लास्ट इन पल मिलेट नाउ रिसेंटली. प्लीज गो टू फील्ड एंड इवेल्युएशन दैट, ऑब्जर्व दैट दिस टाइप सिम्टम्स अपियर ऑन.
पालमिलेट नाउ. A fungicide like hexaconazole at the rate 2 ml per liter, tricyclazole, beam is ka naam, tilt hai. Other fungicide, coproxychloride also used, bodex mixer, agrosan, carbendazine. Some antibiotics also effective, blasticidine. Blasticide kya hai? Fungicide. But blasticidine kya hai? Antibiotic. Streptomyces, gracochromycin. Iska kya hai? Substance hai. Casugamycin from streptomyces, casugamycin. Application of silicone containing basic ground granulate blast forens slag. Application of silicone. मैंने कहा था silicone ज़्यादा डालोगे तो resistance power आएगी. Important impart resistant देता है ये lead and blast and brown leaf spot of rice. दोनों में काम करेगा brown leaf rust में, brown leaf spot and blast में. Silicone पौधे को क्या देता है? Resistance. While nitrogen application decrease resistance power. Next, care of rice. Symptoms appear to symptoms kab appear honge? 10 se 15 din ke baad, 10 to after days after the transplantation of the paddy crop. The first symptoms seen are the chlorosis of the leaves. Leaves aapko kaise lagegi? Chlorosis. Chlorosis ka matlab yellowing, green part uska absent ho gaya hai. येलोइंग क्लोरोसिस का मतलब क्या होता है? कहीं बार क्वेश्चन आया हुआ है एआरओ डब्ल्यूआरओ में, नेट में, जेआरएफ में, एसआरएफ में. क्लोरोसिस मींस येलोइंग अपीयरेंस. आफ्टर दिस ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ब्राउन और ब्रॉन्ज स्पॉट, यानी तांबे जैसे स्पॉट अपीयर होंगे एंड बाद में क्या हो जाएंगे? वो बिगर साइज के होंगे. देन अल्टीमेटली ड्राई एंड डाई, पौधा सूख जाएगा और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी प्लांट की. द अफेक्टेड प्लांट शो स्टंट ग्रोथ. स्टंट क्या हो जाएगी उसकी? अचानक क्या हो जाएगी? स्टंट हो जाएगा, मतलब ड्वार्फ हो जाएगा पौधा. रूट ग्रोथ आल्सो रेस्ट्रिक्टेड. यूजुअली द मेन रूट टर्न ब्राउन. जो उसकी मेन रूट होगी वो क्या हो जाएगी? ब्राउन हो जाएगी और रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी. इट सीवियर केस प्लांट फेल टू ग्रो. प्लांट उगने में ही फेल हो जाता है और या फिर उसके पेनिकल्स बियर नहीं करेगा. कैजुअल फैक्टर क्या है? कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ जिंक. जिंक इज ए पार्ट ऑफ एंजाइम. क्या रोल है जिंक का? इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ए एबायोटिक डिजीज, नॉट ए बायोटिक. इट इज ए डिसऑर्डर. जिंक क्या है? एबायोटिक. बायोटिक थोड़ा ना है ये, कोई जीवाणु जीव थोड़ा ना है. इट इज ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज, एबायोटिक डिजीज. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ न्यूट्रिशनल इन प्लांट्स? वैसे ही हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे किसी के विटामिन डी की कमी हो रही है, कैल्शियम कमी हो रही है, फॉस्फोरस कमी हो रही है, बहुत सारी डिजीजेज हो जाती है. जिंक इज ए पार्ट ऑफ एंजाइम इन्वॉल्व इन ऑक्सिजन सिंथेसिस एंड इन ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर. क्या करता है? ऑक्सिजन सिंथेसिस का काम करता है और ऑक्सीडेशन ऑफ सुगर. रीजन क्या है जिंक डेफिशिएंसी का? या तो लैक ऑफ सॉइल. जिंक की कमी होती है सॉइल में, लैक ऑफ ऑलरेडी कमी होती है यहाँ तो सॉइल में जिंक की, या फिर सॉइल अल्कलिनिटी होती है. इसमें क्या होता है? जिंक प्रेजेंट तो होगा बट अवेलेबल फॉर्म में नहीं होगा. मैनेजमेंट क्या करेंगे? बाय अप्लाइंग टू स्प्रे ऑफ फॉलोइंग एट एन इंटरवल ऑफ 10 टू 15 डेज. 10 से 15 दिन में उसका टू स्प्रे करेंगे. फर्स्ट स्प्रे मिक्सचर ऑफ 2 केजी जिंक सल्फेट एंड 1 केजी स्लैक लाइम इन 400 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़. सेकेंड स्प्रे करेंगे सेम एज अबोव आफ्टर 10 डेज. स्प्रे जिंक सल्फेट 0.5% प्लस लाइम 0.25%. आई थिंक एक बार अपन को रिवीजन कर लेना चाहिए. प्लीज जो भी नोट करने की चीजें हैं कॉपी और पेन लेके बैठो, ज्यादा बेटर होगा. क्योंकि मैं पीपीटी तुम्हें शेयर नहीं करूंगी, ये मैंने खुद ने बनाए हैं. तुम्हें मैं ओनली पीडीएफ में दूंगी. जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइट नहीं होंगे उसमें. जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ. तो प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठे. जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ, ये नहीं है कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, डजेंट मैटर. चलो मान लिया तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं होंगे, पर क्या तुम आगे जेआरएफ नहीं दोगे, एसआरएफ नहीं दोगे, पीजी टेस्ट नहीं दोगे, डब्ल्यूओ नहीं दोगे, एआरओ डब्ल्यूआरओ नहीं दोगे? तुम्हारे हॉल लाइफ काम आएंगे. बाई चांस तुम्हें पैथो मिल जाता है एमएससी में,
जो तुम्हारे एआरओ डबल एआरओ जो कंसेप्ट अपने स्टार्टिंग के क्लियर होते हैं वो हमेशा क्लियर रहते हैं। रट्टाफिकेशन करने से कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं होते। ठीक है, तुम सोचोगे जब एग्जाम होंगे तब के तब देखा जाएगा, बट वो आपको एक अनसर्टेन मतलब एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा, और जो अभी आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे वो हमेशा क्लियर रहेंगे। तो अपने पास अब 10 मिनट का टाइम है, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी चारों डिजीज करा सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। काफी टीचर्स कोर्स कराने से मतलब रखते हैं, ठीक है चारों डिजीज करा देती हूँ जितनी भी राइज की है, फटाफट कराते हैं क्या कॉजल ऑर्गेनिज्म है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या डिजीज साइकिल है, क्या मैनेजमेंट है, देन कंप्लीट। सो स्टार्ट। डिजीज ऑफ राइस, राइस ब्लास्ट फर्स्ट थिंग कॉज्ड बाय पायरिक्लोरिया ग्रेओराइजी। हाँ, एक असाइनमेंट दूंगी मैं तुम्हें, वो असाइनमेंट मुझे तुम गूगल पे वापस अपलोड करके दोगे, एक दो दिन में करती हूँ मैं। पूरे पैथोजन की लिस्ट होनी चाहिए तुम्हारे पास में। मैं तुम्हें क्रॉप्स दे दूंगी, कौन कौन से क्रॉप्स जो हम पढ़ चुके उनके पूरे पैथोजन पहले मैं तुम्हें डिलीवर करूंगी नोट्स। उसके बाद में तुम्हें ये असाइनमेंट बनाना होगा, कितने प्लांट कितने क्रॉप पढ़ चुके, उसके कितने डिजीज पढ़ चुके, क्या पैथोजन है उसका, टेबल बना लेना एक, क्रॉप डिजीज एंड पैथोजन एंड व्हाट इज द प्राइमरी इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, देन मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। राइस ब्लास्ट, पायरिक्लोरिया ओराइजी, परफेक्ट स्टेज मैग्ना पोर्थोग्राइजिया, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेटन नेक। मैं कुछ भी उसमें कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, रोटन नेक किसका नाम होता है, तो प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट, रोटन नेक ऑल्सो राइस ब्लास्ट। बायोलॉजिकल वॉर वेपन किसमें हुआ, फर्स्ट फंगल पैथोजन हूज जीनोम सिक्वेंस्ड बाय, किसके द्वारा किया गया, डीन एटोल इन 2005, विच फंगस, मैग्ना पोर्थोग्राइजिया। सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस हुई, साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं रखना आपको, केवल दो तीन चीजें याद रखनी है, रोटन नेक है, बायोलॉजिकल वॉर वेपन किसमें किया गया, फर्स्ट फंगल पैथोजन जिसका जीनोम सिक्वेंस किया गया, मैग्ना पोर्थोग्राइजिया, किसने दिया, डीन एटोल 2005। टिपिकल सिम्टम्स, व्हाट इज टिपिकल सिम्टम्स ऑफ राइस ब्लास्ट, बोट शेप या फिर स्पाइंडल शेप लीजन्स, ओके। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है ये अपन जानते हैं, माइटोस्पोरी का ये भी जानते हैं, मैग्ना पोर्थो किससे बिलोंग करता है, एस्कोमाइकोटा से। इम्पोर्टेंट क्या है इसमें याद करने की, केवल दो चीज इंपॉर्टेंट है, पायरिक्लोरीन एंड अल्फा पिकोलिनिक एसिड, विच फंगल पैथोजन प्रोड्यूस, कौन करता है, पायरिक्लोरीन एंड अल्फा पिकोलिनिक एसिड, पायरिक्लोरिया, पायरिक्लोरिया प्रोड्यूस मेलानाइज्ड एप्रिसोरियम। और हाँ, अभी मैं किसी को भी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, नेक्स्ट क्लास से या फिर इसी क्लास से अभी ये भी होगा, मैं तुम्हें अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकती हूँ कि तुम फोन के पास हो या कहीं सो रहे हो या मस्ती मार रहे हो, ओके। डिजीज साइकिल में कुछ नहीं है, कोलेट्रल होस्ट पे भी सर्वाइव करता है, कोलेट्रल होस्ट इसका लीर्जिया एक्सैंड्रा, पैनिकम रेपेंस, डिजिटीरिया, मार्जिनाटा, इट इज ए कोलेट्रल होस्ट एंड पॉलीसाइक्लिक डिजीज। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर क्या है, नाइट टेम्परेचर 20-24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, आरएच अबाउट 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, हाई नाइट्रोजन इंक्रीज डिजीज एंड हाई सिलिकॉन इन डिजीज रिड्यूस। रेजिस्टेंट वेराइटीज, चीपेस्ट एंड सिंपल मेथड है, वेरी इंपॉर्टेंट, जया RP5 जो भी है इसकी, केमिकल ब्लास्टिसाइड्स और ब्लास्टिसिडिन इसका एंटीबायोटिक है, कासुगामाइसिन, हेक्साकोनाजोल। खैरा डिजीज किसने दी, YL नैने ने, कहाँ पे दी, यूपी में तराई रीजन में, क्लोरोसिस हो जाता है, लीव स्टंट हो जाएगा, ये देखिए आप, या तो पौधा इमर्ज ही नहीं होगा, इमर्ज होगा तो बियरिंग नहीं करेगा पेनिकल्स। जिंक का रोल है, व्हाट इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, जिंक इज द क्या काम है, रोल ऑफ, व्हाट इज रोल ऑफ जिंक, ऑक्सीजन सिंथेसिस, स्प्रे कीजिए 2 kg जिंक सल्फेट एंड 1 kg स्लैक लाइमिन 400 लीटर ऑफ वाटर पर एकड़।